को दे दिया जाए। और मोहब्बत के लिए एक इलाज हजरत रशीद अहमद गंगोही साहब बता रहे हैं कि किसी को मोहब्बत करना हो तो क्या करें। मोहब्बत के लिए एक बार आपने ये अमल इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाह, गौर से सुनो, तावीज है ये मंत्र बता रहे हैं मोहब्बत के लिए। ये वो देवबंद के उलमा हैं, जिया रहमान फारूकी अभी नारे लगवा रहे थे ना, उलमाए हक जिंदाबाद, उलमाए हक जिंदाबाद। उलमाए हक की दास्तान सुनो इनकी डायरियों में, इनकी जुबानों से क्या सुनते हो, जुबानों से तो शिये भी अपने आप को सब कुछ कहते हैं, बरेलवी भी पितरम सुल्तान भूत के नारे लगाते हैं, सब अपनी निस्बत अहले सुन्नतुल जमात की तरफ करते हैं। लेकिन सुनो, लिखते हैं कि मोहब्बत के लिए एक बार आपने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु बिसर मोहम्मद, हाथ तेल मुंह चिकना, बैठूं सर ढाऊं, थक बांधूं ठाकुर बांधूं, बांधूं सगरा गांव, मीरा जुम्मन जती यूं कहे मनमोहन, मेरा नाव बहके ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देख रहे हैं ये जादू, 41 बार पढ़कर इतर पर दम करे। अब उसके बाद क्या करे मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, इसलिए कि कभी अल्लाह ना करे कभी शैतान आपको वरगलाए तो ये शैतानी शिरकिया और कुफरिया बातें आप अपनी जुबानों से निकालें। पितर मोहम्मद भी क्या है, मुंह चिकना, बैठूं सर ढाऊं, थक बांधूं ठाकुर बांधूं, बांधूं सगरा गांव, मीरा जुम्मन जतियों कहें, ये कौन सी मीरान जुम्मन जति कौन है ये, है ना, मोहन मेरा नाव, मोहन मेरा नाव, अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह की तावीज और गंडे की एक बात इसमें नमूने में फतावा ये तज़किरतुर रशीद के हवाले से मैंने आपके सामने बयान की। आइए